सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जाना था ऑटो क्लिकर पीसी पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो और उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और वहाँ पर आइकॉन पे आइकॉन को पिन कर देंगे और अपना कॉन्फ़िगर ओपन कर लेंगे। सो सबसे पहले अपने को जानना है यूआरएल और एलिमेंट फाइंडर के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना ही एक प्रैक्टिस फॉर्म है उसको एग्जांपल के तौर पे लेंगे और उसे ओपन करेंगे। सो ये ओपन होता है और हम इसी का यूआरएल है उसको करेंगे कॉपी और उसको डालेंगे सीधा यूआरएल में। सो इसको कर लेते हैं कॉपी और ये गया सीधा यूआरएल में। इसको कर लेते हैं यहाँ पर यूआरएल में पेस्ट। ये हो गया पेस्ट। अब हम यहाँ पर नेम को लेकर कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस फॉर्म से कर रहे हैं, तो चलो इसको डाल देते हैं हम प्रैक्टिस फॉर्म। ये डाल दिया प्रैक्टिस फॉर्म और इसको कर लेते हैं हम सीधा सेव। तो ये हो गया अपना सेव। सो अभी हम वापस जाएंगे अब प्रैक्टिस फॉर्म पे एलिमेंट फाइंडर के लिए। तो गए हम सीधा प्रैक्टिस फॉर्म पे, वहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फुल नेम। फुल नेम को करते हैं वहाँ पे राइट क्लिक, उसे करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद सीधा अपने पास ये खुल जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को यहाँ पे ड्रैग करके लेके जाते हैं तो ये सीधा यहाँ पर एरो हो रहा है, इसका मतलब हम सही है। तो उसे करते हैं कॉपी। कॉपी करेंगे उसका हम एक्सपाथ। एक्सपाथ कॉपी करके सीधा हम जाएंगे वापस फाइल में, वहाँ पर एलिमेंट फाइंडर पे हम कर लेंगे उसको पेस्ट। ये कर लेते हैं अपन पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम वैल्यू, वैल्यू में जैसे एग्जांपल पे लिख लेते हैं हम आशीष पटेल, जैसे ये लिख दिया हमने ASHISH आशीष पटेल, ठीक है। और इसको कर लेते हैं सेव। हम जाते हैं वापस अपने प्रैक्टिस फॉर्म में। प्रैक्टिस फॉर्म में जाते ही हम उसको कर लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही ये देखिए अपने पास ऑटोमेटिक ऑटो क्लिक, मतलब ऑटो फिल। ऑटो फिल से बोलते हैं ऑटो फिल। तो अभी हम जैसे ऑटो फिल किया है फिल एक्शन, वैसे ही हम क्लिक एक्शन भी सीखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इसको क्लिक मी को, जैसे इसको टैप करते हेलो अलर्ट आएगा। तो हम वापस इसको भी वैसे के वैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके सीधा एलिमेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे इसका कर लेते हैं कॉपी एक्सपाथ। एक्सपाथ कॉपी करते ही हम वापस वहाँ जाते हैं एलिमेंट फाइंडर में, उसको पहले हटाते हैं पिछले वाला, उसको हटाया और यहाँ कर लेते हैं उसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद वैल्यू में जो वो आशीष पटेल लिखा है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम फिल एक्शन किया था, अभी क्लिक एक्शन है। क्लिक एक्शन के लिए अपने को वहाँ कुछ नहीं चाहिए, तो उसको कर लेते हैं सेव। अब जाते हैं वापस प्रैक्टिस फॉर्म में और वहाँ मार लेते हैं अपन इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही ये देखिए अपने आप वो लिखा हेलो अलर्ट लिखा हुआ आ गया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।